विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। प्रभु नारायण की एक शक्ति योग माया है और उनकी अन्य शक्ति योग माया के अधीन है। उनमें से एक शक्ति की ही स्वरूप है कर्कटी, यानी सूचिका। फिर अच्छा हो या बुरा, जब तक प्रभु नारायण की कृपा से ये माया स्वरूप संसार रहेगा, तब तक विसूचिका भी रहेगी। इसी कारण उसे अमृतत्व का वरदान मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी। किंतु ब्रह्मदेव वो क्षमा योग्य नहीं। उसने दुर्बल असहाय मनुष्यों को, वृद्धों को, बालकों को, सभी को संक्रमित किया है। यहाँ तक कि प्रभु भक्ति में लीन प्रभु भक्तों को भी नहीं छोड़ा। यदि मैं इसे ना रोकता तो ये सभी को संक्रमित कर संपूर्ण मानव जाति का संहार कर देती। नारायण की योग माया की एक शक्ति स्वरूप होते हुए भी मैं ये कैसी भूल कर बैठी। धिक्कार है मुझ पे। मैं मात्र दंड की अधिकारिणी हूँ, क्षमा की नहीं। प्रभु मैं समझ गई हूँ, मैं दंडित होने के ही योग्य हूँ। प्रभु मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ और मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ प्रभु। इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है प्रभु। गंग। अपराध और अपराधी दोनों ही दंड के भागी होते हैं, इसलिए तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। दंड स्वरूप मैं तुम्हारी शक्तियाँ सीमित कर रहा हूँ। अब तुम स्वयं किसी को भी संक्रमित नहीं कर सकोगी। तुम्हें इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, जल, वायु, स्पर्श आदि, जिनके आहार में, जिनके विचार में और जिनके व्यवहार में विकारों का दोष हो, तुम उन्हें ही प्रभावित कर सकोगी और इस प्रकार तुम अन्याय बाधिका कहलाओगी। यही होगा तुम्हारा प्रायश्चित और इस प्रकार लोगों को जीवन जीने का उचित मार्ग प्राप्त हो जाएगा। प्रभु मुझे आपका ये दंड स्वीकार है प्रभु। अब भयाक्रांत रहने का कोई कारण नहीं पुत्री, अब शांत हो जाओ, चिंता मत करो। प्रभु कदाचित वो बालिका अभी भी आतंक के प्रभाव में है। संकट मिट जाने के पश्चात जो भय अंतर समाकर वहीं रह जाता है, उससे मुक्ति पाना सरल नहीं होता। जाओ ना। गणेश। हाँ बहन, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मेरा नाम गणेश ही है और प्रभु गणेश जी के नाम के प्रताप से ये संकट टल गया है। हे दिव्य बालक, आप अवश्य ही कोई महात्मा हैं। मेरी पुत्री की सहायता कीजिए। ये मेरी नन्ही बालिका है, आप इसकी आतंक की अवस्था से इसे बाहर निकालिए। बहन अब तो कोई संकट नहीं।
तो अब भयभीत रहने का कोई कारण नहीं। वो क्या था? क्या हुआ था? वो भूल थी, वी सूचिका की भूल, जिसके कारण महामारी का प्रकोप छाया हुआ था। किंतु चिंता ना करो, प्रभु गणेश जी ने सब ठीक कर दिया है। देखो बहन, तुम्हारी माँ और अन्य लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आपकी भक्ति में इतनी अपार शक्ति है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन सबके जीवन का विघ्न हर लिया। तो क्या भक्ति की शक्ति से ऐसी महामारी में अपनी रक्षा की जा सकती है, जो एक से दूसरे में, दूसरों से अन्य सभी में एक एक कर फैलती जाती है? जिनके पास भक्ति की शक्ति है, आचार विचार और व्यवहार में स्वच्छता के सदाचार का परिचय है, प्रभु ऐसे व्यक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। तो क्या इतना पर्याप्त है? नहीं बहन, इसके अतिरिक्त हमें अपने गृह की स्वच्छता का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। इसलिए नमक के जल से अपने निवास को स्वच्छ रखना और अपने निवास के बाहर गौ माता के गोबर का लेप लगाना, जो शुभ ही नहीं होता, अपितु अशुद्धता, कीटाणुओं और कीट से हमें ही नहीं, हमारे निवास को भी सुरक्षित रखता है। किंतु कलयुग में दुराचारी, अन्यायी एवं दुर्गुणों से भरे मनुष्यों की अधिकता होगी। यदि उनका प्रभाव सदाचारी व्यक्तियों पर हुआ तो? उनके लिए मैं एक मंत्र देता हूँ। स्वच्छता के नियमों का पालन करते हुए उन्हें इस मंत्र का जाप करना होगा। शक्तये नमः। अर्थात हे विष्णु शक्ति, मैं आपसे इस महामारी को दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम ह्रीम ह्राम ह्रीम राम विष्णु शक्तये नमः। ओम ह्रीम ह्राम ह्रीम राम विष्णु शक्तये नमः। ये मंत्र तो उनकी सहायता करेगा जो संक्रमित हो चुके हैं, किंतु कोई ऐसा उपाय नहीं जो सदाचारी को पहले ही शक्ति प्रदान कर दे, जिससे वी सूचिका का उन पर कोई प्रभाव ही ना हो, जो नकारात्मकता को निकट ना आने दे, जो तन को ही नहीं मन को भी सबल करे, उसे शक्ति प्रदान करे। यदि ऐसा कोई उपाय संभव है प्रभु, तो फिर वो कलयुग में भी मानवता और सदाचार दोनों की ही रक्षा करेगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, उसके लिए शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी, जो प्रसाद बनकर तन को भी शक्ति प्रदान करेगा, उसे निरोग रखेगा। प्रत्येक निवास के आंगन में उसका होना ही शुद्धि और सकारात्मकता देगा। पौधा निवास के लिए ही नहीं, जो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे उसका भी रक्षा कवच बनेगा। कोटि-कोटि धन्यवाद आपका बाल महात्मा, आपने तो यहाँ स्वयं आकर विघ्नहर्ता के समान हमारे सारे विघ्न हटा दिए। माँ, आपको स्मरण नहीं इन्होंने क्या कहा था? ये गणेश ही तो है। सदा स्मरण रखना बहन, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, और जहाँ आशा है वहाँ विघ्नहर्ता गणेश है। इसलिए भक्ति और आशा को कभी मत खोना। प्रभु, मुझे उचित पथ दिखाने के लिए आपको शत शत नमन। अब मैं उस पथ से कभी नहीं भटकूंगी।
हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे इस विघ्न से उबारने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो विघ्नहर्ता ने मां प्रकृति के विघ्न को हर ही लिया। संसार को भी सूचिका के भय से मुक्त कराने वाले गणेश के स्वरूप को एकाक्षर गणेश के नाम से जाना जाएगा। एकाक्षर गणेश के नाम से जाना जाएगा। हे एकाक्षर गणेश, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ और साथ ही ये घोषणा करता हूँ कि जिस गंग मंत्र का उच्चारण करके उस बालिका ने आपका आह्वान किया था वो एकाक्षर मंत्र कहा जाएगा। वो एकाक्षर मंत्र कहा जाएगा। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जिस प्रकार आपने उस नन्ही सी बालिका को साहस दिया, उसी प्रकार आपके एकाक्षर मंत्र गंग का उच्चारण कर आपके एकाक्षर गणपति स्वरूप का स्मरण करने वाले भक्तों पर किसी महामारी, किसी युद्ध, दुर्घटना अथवा ऐसे किसी संकट का प्रकोप कभी नहीं होगा। और संकट ही नहीं, अपितु उस संकट के प्रभाव से मन में बसे भय से भी छुटकारा मिलेगा। ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग। इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है, इस विघ्न को दूर कर समस्या का हल निकालिए ना प्रभु। इस संसार के सामने जो ये भयानक विघ्न छाया है, शीघ्र पृथ्वी पर एक ऐसे दिव्य पौधे का जन्म होगा जो आरोग्य का प्रतीक होगा, जिसके पूजन से मन को शक्ति मिलेगी। हे प्रभु महागणाधिपति जी, मुझे अभी भी अपने कार्य के अधूरे रहने का आभास हो रहा है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मुझे बताने की कृपा कीजिए कि अभी मेरे द्वारा क्या करना शेष है। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपति। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। नमः। गणेश, आपने उचित समझा। आपका कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ और उसे पूर्ण करने के लिए आपको एक नवीन कथा का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। मैं आपको आपके तप की सफलता का आशीष देता हूँ। शुभ कार्य में तो तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी माता और पिता श्री से अनुमति लेकर अपने तप के लिए प्रस्थान करता हूँ। किंतु क्या माता मुझे आज्ञा देंगी? यही मना रहा हूँ कि माता मुझे ना रोके, जाने दें। क्या हुआ पुत्र गणेश? जब से तुम भी सूचिका रूपी संकट को दूर करके लौटे, चिंता में ही खोए हुए हो। हाँ देवर जी, जब से आपने हमें झूला उपहार में दिया है, तब से तो आप अनुपस्थित ही हैं। क्या बात है गणेश, किस विचार ने तुम्हें इतना गंभीर बना दिया? पिताश्री, माता, कुछ समय के लिए मुझे यहाँ से दूर तप करने जाना है। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अचानक यूं कहीं नहीं जाने दूंगी। और अब तो हमें तुम्हारे विवाह की तैयारी भी करनी है। किंतु माता, विवाह का तो विचार भी नहीं है मेरे मन में। मुझे तप के लिए जाना ही होगा, ये अनिवार्य है। और वैसे भी मैं तो अभी बालक ही हूँ, मेरी इच्छा विवाह की है ही नहीं। मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ही अपना जीवन बिताना है। ओ, तो क्या आप तुम भी वही हट करोगे जो तुम्हारे भ्राता ने किया था? नहीं पुत्र, तुम तो मेरी हर बात स्वीकार करते हो ना, तो अब तुम मेरे लिए कोई कठिनाई मत खड़ी करो। ये तो माने सर्वथा उचित कहा है अनुज गणेश। वैसे भी विवाह के लाभ तो तुम ही ने मुझे समझाए थे, तो अब तुम स्वयं विवाह से पीछे नहीं हट सकते। किंतु माता। किंतु परंतु कुछ नहीं पुत्र, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पिताश्री, माता को आप ही समझाइए ना।
प्रिय, स्वर्ण भी तपकर ही कुंदन बनता है, चंदन में घिसने के बाद ही ललाट पर लगाया जा सकता है। कदाचित गणेश का तप भी अकारण न हो, इसलिए हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। किंतु इसका विवाह स्वामी, वो कैसे होगा? और ये तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए देवी, कार्तिकेय का विवाह भी तब हुआ था जब वो अपने तप के लिए दक्षिण की दिशा में गया था, तो संभव है अब गणेश के तप से भी इसके विवाह का संयोग उत्पन्न होगा। इसलिए हमें गणेश को अनुमति दे देनी चाहिए। संभव है इसके तप के पीछे संसार का कल्याण छिपा हो। हाँ माता, मुझे अनुमति दे दीजिए ना। मेरा मन तो नहीं करता पुत्र, किंतु मैं तुम्हारे तप में बाधा नहीं बनूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम अपने तप अवश्य सफल हो। समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। कौन है तेजस्वी तपस्वी जिसके तप से सूर्य जैसे तेज का विस्तार हो रहा है? नारायण नारायण, ये तो स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण है। प्रभु श्री हरि नारायण नहीं, पंच मुकुटधारी श्री कृष्ण है। नमो विश्व स्वरूपाय विश्वस्थित्यंत हेतु विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंदन रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो। हे गोलोक विदाता परम श्री कृष्ण, देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार कर। नारायण नारायण, क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु आप किस रूप में है ये स्पष्ट ज्ञात क्यों नहीं हो रहा है मुझे? प्रभु, ये कैसी लीला है प्रभु, ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण, इस लीला का रहस्य तो केवल मात्र एक प्रभु श्री कृष्ण ही उजागर कर सकते हैं।
से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, किंतु उस विपत्ति के भय से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना अत्यंत दुष्कर है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।